हेलो, कैसे हो आप लोग? खूब अच्छे होंगे। तो आज हम आए हैं नेशनल जूलॉजिकल पार्क। कहाँ पे हैं? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में तो नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे हम आए हैं फैमिली के साथ। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये, बहुत अलग अलग तरह के एनिमल्स बर्ड्स है। तो भैया, मम्मी, भाभी, हम सभी आए यहाँ पे आए। तो पूरा वीडियो में देखते हैं आपके साथ और एन्जॉय करें पूरा ब्लॉग को। आपको जितना जितना यहाँ पे बर्ड्स है, एनिमल्स, सब दिखाऊंगा आपको मैं। तो जरूर एंजॉय करें ब्लॉग को। तो मैं हूँ अनिर्बन, आप तो हैं सेक्स ब्लॉग्स, लेट्स एक्सप्लोर। तो ये ले ली हमने पार्क के अंदर एंट्री। यहाँ पे चेकिंग वकिंग हुआ, जो जो आप सामान लाते हैं वो सब चेकिंग किए, फिर उन्होंने फिर लेडीज़ जिन सबको फिर पर्सनली भी चेकिंग किए। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा लोग आए यहाँ आज, क्योंकि संडे है तो लाजमी है लोग आएंगे। 1000 से 2000 के ऊपर लोग यहाँ पे आए आज। और देख रही, इतनी ज़्यादा धूप है यहाँ पे, क्या ही बताए। चलिए अंदर चल के आपको दिखाते हैं। तो ये हम आ गए हैं मेन ज़ू के अंदर। यहाँ पे इसे लिखा हुआ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खींच रहे हैं। और यहाँ पे सुंदर सा तालाब बना हुआ है, ये शायद आर्टिफिशियल पौंड ही है। यहाँ पे जो बतख बतख दिख रहे हैं आपको, और उस तरफ लेफ्ट साइड में वो डायरेक्टरियल ऑफिस है, जो यहाँ के जो डायरेक्टर है जो मेंटेन करते हैं, उनका ऑफिस है। बतख जो काम देख ही नहीं कोनो दिन। यहाँ सब बतख देख रहे हैं। स्वान है, ऑब्वियसली स्वान ही है, कभी देखे नहीं ना। तो यहाँ पे अगर आपको इस गाड़ी से राइड लेना है, मतलब पूरे जू को अगर देखना है आपको गाड़ी के बिना चले, आप गाड़ी से लेना, तो यहाँ पे टिकट है 70 रुपीज़ ईच पर्सन है। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। चले हम लोग चल के जाएंगे, आपको चल के दिखाते हैं। यहाँ पे मोर है, पीकॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। यहाँ पे दिखाया गया कि क्या क्या जानवर है यहाँ पे। नील गाय है, बाकिंग डियर। बाकिंग डियर को शायद सलमान खान ने मारा था अर्ली 2000s में। यहाँ पे स्पॉटेड डियर्स है, सांभार है, फिर ब्लैक बक है, इन्हें सॉरी माई मिस्टेक, ब्लैक बक को मारा था उन्होंने। लेकिन यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा, पता नहीं सब कहाँ हैं यार, गर्मी की वजह से सब छुप गए होंगे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ डियर्स, पता नहीं ब्लैक बक है, स्पॉटेड बियर है, डियर है, पता नहीं कौन सा है, नो आइडिया। यहाँ पे वाटर बर्ड्स है, लेकिन देख तो नहीं रहा। यहाँ अच्छा कुछ, ओह हाँ 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 देख रहा है। साइज के तो बहुत बोर है ग्लोर। यहाँ पे है रॉसी पेलिकन, ये सब देख रहे हैं। साइज में बहुत ही बड़ी है चिड़िया, एक एवरेज ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो कैमरा में उतना जस्टिस हो नहीं रहा, अब सब आके यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बड़ी हैं ये सब। अभी एक उड़ती हुई दिखी थी, साइज बहुत ही बड़ा देख रहे हो, एक एवरेज इंसान से भी बड़ा है लग रहा है। और कैसा लग रहा है जू? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आएगा देखने के लिए? क्या देखने के लिए?
यहाँ पे बर्ड्स है, क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स कुछ दिखा नहीं इनको, फिर सब सब इनको सब पता है। नहीं नहीं दिखेगा ना, अभी अभी तो दिखा। अच्छा चलो देखते हैं क्या क्या दिखाई देते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं। कुछ दिखा आपको यहाँ पे? आपको नहीं पूछ रहे हैं। हाँ देखा देखा, इतना सारा तो नहीं देखा, थोड़ा थोड़ा देखा। चलो चलिए आप वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। यहाँ पे एक मंकी का अलग स्पीसीज है बॉनेट मैकाओ, लेकिन बॉनेट का बीबी नहीं दिख रहा, गर्मी की वजह से सब अंदर ही बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा। इधर आओ यार, रुके। वो देखिए यहाँ पे बबून है, पीकॉक है, यहाँ पे बबून दिख रहा है आपको, बस एक ही दिख रहा है शायद, सब धूप के वजह से वो सब भी अंदर बैठे हुए। चलो बाहर निकला। मंकीज देखे आज तक लाइफ, लेकिन कभी बबून या लगूंस नहीं देखे, पहली बार देखने को मिला। फाइनली दिख गया बहुत सारे डियर्स, यहाँ पे एक रेस्ट कर रही है। I don't have any idea कि कौन से स्पीसीज के डियर है ये, लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा सुंदर है। स्पीसीज का नाम देख गया, ये हॉक डियर्स है। नॉर्मल डियर से कुछ अलग ही लग रहे हैं वैसे, लेकिन जो भी बोलो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। वहाँ पे भी एक पीकॉक है, यहाँ पे है सांभर डियर, जो डियर का अलग स्पीसीज है। ये बहुत बड़ी प्रजाति की डियर होती है, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे एनिमल बर्ड्स दिख रहे हो कि ना हो, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के फैसिलिटी से हर जगह पर हर स्पॉट्स में है। फिर ऐसा रिफ्रेश सेंटर्स है, यहाँ पे आप आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स कुछ भी ले सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है कि फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे डस्टबिन्स बने हुए हैं, क्लीनलीनेस के मामले में बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया, जैसा आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से क्लीन, बहुत साफ सुथरा है। एक हिसाब से जब जू होता है तो फिर बर्ड्स एनिमल्स यहाँ पे रखते हैं ये लोग, तो फिर क्लीनलीनेस मेंटेन करना लाजमी है। इसके यहाँ पे स्टॉपेज है, गाड़ी रुकती है यहाँ पे कुछ रिफ्रेशन लेना। यहाँ पे भी जानवर है, अलग अलग तरह के जानवर बर्ड्स होंगे, लेकिन जो भी है एनिमल बर्ड्स के नाम पे मेनली डियर ये सब ही दिख रहा है। यहाँ पे लायंस है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, पता नहीं कभी दिखेंगे सब, यहाँ पे डियर्स ही है, देखते हैं। यहाँ पे फिर से डियर दिख गया, कितना डियर दिखाएंगे यार। ये है ब्लैक बर्ड डियर, अपने सलमान भैया, सैलमोन भैया ने इनको मारा था, नहीं इनको नहीं, एक को ही मारा था वैसे, चलो वो तो अलग बात है। यहाँ पे है कॉमन पाम सेवर, यहाँ से ऊपर देख रहे हैं आप, मिस्टेक हो गई, जो ऊपर यहाँ पे फॉक्स है, ये गोल्डन जैकल, कब से गोल गोल घूम रहा है। यहाँ पे है बंगाल फॉक्स, अपने बंगाली बाबू अंदर बैठ के हुए,
अंदर घुसे हुए निकल भी नहीं रहे। इनको हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में सब तरीके से बुला लिया लेकिन आ ही नहीं रहे। आधे घंटे नहीं, वैसे एक घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन ढेर के अलावा इतना कुछ एनिमल्स अब तक दिखा नहीं। यहाँ पे लायंस, टाइगर्स की वेट कर रहा हूँ मैं, एनाकोंडा भी है शायद, दिखा नहीं मेरे को। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है, यहाँ पे है दो शिफ्ट की टाइमिंग है, एक है सुबह 8:30 से दोपहर के 12:30 तक, ये फर्स्ट स्लॉट है। इसके बाद सेकंड स्लॉट है जो दोपहर का 12:30, इस स्लॉट में हम आए दोपहर के 12:30 से शाम के 4:30 तक है। और टिकट की प्राइसिंग है 80 रुपीज़। ऑनलाइन ही, ऑफलाइन बंद कर दिया उन्होंने शायद कोविड के बाद से, ऑफलाइन था एंट्री गेट में लेकिन इन्होंने बंद कर दिया। तो ऑनलाइन टिकट है, मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले से यहाँ पे टिकट काट के आ जाइए 10-15 मिनट पहले, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम लोगों ने कम से कम 10-15 मिनट के बाद ट्राई करने के बाद हमने टिकट काट पाए यहाँ पे। तो ज़रूर आए यहाँ पे, देखते रहे ब्लॉग को, दिखाते हैं आपको और भी एनिमल्स। यहाँ पे है राइनोसोरस, चल के नेचर इसका चमड़ा कैसे है? हाँ ऐसे ही होता है, गेंडा ऐसे ही। चलो मिश्रा, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, शायद और भी होंगे। यहाँ पे मैप बना हुआ है कि क्या क्या चीज़ें, कैंटीन, वाटर पॉइंट, पब्लिक कन्वीनियंस जो है यहाँ पे, मतलब एजुकेशन सेंटर्स भी यहाँ पे। आज इवनिंग शो भी है, वो भी देखने की कोशिश करेंगे एंट्रेंस। चलो देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ एक पैरट की स्पीसीज है, कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा पैरट नहीं देखा मैंने, तो ज़्यादा ही बड़े हैं। चलिए उस तरह से देखते हैं, वहाँ पे अगर अच्छे दिखाई देता है तो। एक्चुअली ये है येलो एंड ब्लू मकाओ, यहाँ पे दो ही है, यहाँ पे एक है, उस तरफ एक है, यहाँ पे भी, अच्छा तीन है अभी तक। अच्छा यहाँ पे भी है येलो एंड ब्लू मकाओ। देख रहे आप, यहाँ पे मिलिट्री मकाओ जो है कुछ ज़्यादा ही डिसिप्लिन में, इसलिए अंदर से बाहर नहीं आ रहे। ये अफ्रीकन ग्रे पैरट्स, ये है खालिस फीसेंट, ये भी शायद एक पैरट की स्पीसीज ही है। तो यहाँ पे लाइनों में पूरा जितने बर्ड्स है या फिर अलग अलग तरह के पैरट की स्पीसीज है सब दिखाया गया यहाँ पे। ये है लेडी एमरेस्ट फीसेंट, वो है गोल्डन फीसेंट, ये है सिल्वर फीसेंट, ये दूसरे जो फीसेंट देखे आपने उनसे थोड़ा साइज में बड़ा हुआ है और पूरा वाइट कलर का है, पता नहीं इसको सिल्वर नाम क्यों दिया है। तो ये है अलग तरह की स्पीसीज एक, यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा सिल्वर फीसेंट। तो है भैया जी है इजिप्शियन वल्चर, ये भी एक ईगल का स्पीसीज है, ब्लैक काइट। यहाँ पे भी है कि ब्राह्मणी काइट, ब्राह्मणी काइट, अच्छा मतलब ब्राह्मण वाली क्या। और मम्मी गर्मी में कैसा लग रहा है क्या? हाल बेहाल हो गया है, मुझे लगा गर्मी में मजा आ रहा है। यहाँ पे मार्श क्रोकोडाइल है, वहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे
नर और मादा होंगे। दूटा से भालकोड़ देखो ज्वाले मिडले पानी के मजा ले रहे हैं लोग ठंडी गर्मी में। मैं फोन ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे 7-8 या 15 के आसपास क्रोकोडाइल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, बाकी सब गर्मी की वजह से अंदर कहीं घुसे होंगे। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, चलो यहाँ पे है इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट साइज में बहुत ज्यादा मैसिव होते हैं। ये अपने हाथी मेरे साथी, साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं ये, लेकिन 2 ही दिख रहे हैं और तो क्या ही देख नहीं रहे वैसे। कितने ज्यादा ह्यूज है लेकिन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि टाइगर है, फिर अजगर है। ये जो पिलर देख रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी पिलर नहीं है, बहुत पुराना पिलर है ये, कम से कम 1000-2000 साल पुराना पिलर है ये। सही है, इन्होंने यहाँ पे इसको मेंटेन कर रखा है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे कह रहे हैं कि रेप्टाइल हाउस है, फिर टाइगर से देखते हैं। मैं आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या है इधर। यहाँ पे अंदर टाइगर है, ये भी फिर सोया हुआ, इसको भी देख नहीं पा रहे यार। वही तो है, एक ही है बस। यहाँ पे है जैगुआर, साइज देखे तो बेटा जैगुआर आई थिंक जैगुआर है। कलर कलर देख रहे हैं इसका, यहाँ पे है बंगाल टाइगर। साइज में बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन इतना दूर से कुछ दिख नहीं रहा कैमरे में, इतना क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन सामने आकर आपको दिख गया कितना ज्यादा बड़ा है ये। आगे दिखेगा, इसमें सांप बन रही है, इसमें क्लीन चल रही है, बच्चों का ध्यान रखियो। यहाँ पे ऑस्ट्रिच और एक भी है। हेलो, बोल रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं रेप्टाइल हाउस में, मेरा सबसे फेवरेट प्लेस। चलिए अंदर चलते हैं, वो दिखाते हैं आपको क्या क्या दिखते हैं अंदर। यहाँ पे है इंडियन रॉक पाइथन, यहाँ पे है डॉग फेस वाटर स्नेक, यहाँ पे इसके अंदर है। ये देखो, ये देखा, ये देखो तो भालू कैमरा देखो, ये की देख सुनो माँ, ये की, ये देखो एकदम हल्का हल्का लकड़ी के अंदर, देखो लकड़ी के अंदर।
हाँ दिख गया, हाँ दिख गया। यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है लेकिन अच्छा है, चोट दिख गया। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे फिर एक इंडियन रॉक पाइथन मटके के अंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और एक उसके अंदर है, दो। यहाँ पे है इंडियन सैंड बोआ, यहाँ पे बोआ है। अच्छा, ये शायद दूर में अंदर भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा। वैसे पहली बार कभी बोआ स्नेक देखा। यहाँ पे फिर इंडियन रॉक पाइथन, ये साइज में और ज़्यादा ही बड़ा है। आपको सामने से दिखाता हूँ मैं, देख रहे कितना बड़ा साइज है इसका। यहाँ पे रेड है, रेड स्नेक है, ये रेड स्नेक, रेड से भी छोटा दिख रहा है। मटके के अंदर ये भी रेड्स कर रहा है। चलो हो गया रेप्टाइल हाउस। यहाँ पे एक तरह का रेड एयर स्लाइडर था, लेकिन पता नहीं ये स्लाइडर स्लाइड करके पता नहीं कहाँ चले गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 बजे का कोई एक शो है यहाँ पे, सैटरडे संडे को होता है, लेकिन अभी एक कार्ड भैया से पूछा मैंने, लेकिन ऐसा कोई शो अभी है नहीं। कोविड के पहले चलता था, लेकिन अभी ऐसा कोई शो है नहीं फिलहाल, तो वो बंद किया गया है। पता नहीं अगर फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो फिर ज़रूर आऊँगा मैं। ऐसे भी कुछ फैमिली फ्रेंड्स आने वाले हैं विंटर सीजन में, तो फिर यहाँ पे फिर आके विजिट करूँगा, तब अगर अच्छी तरीके से टाइगर और लायन का चेहरा दिख पाए। तो यहाँ पे और भी कुछ कुछ एनिमल्स है, यहाँ पे पोस्टर में लिखा हुआ था, तो अभी चला आगे जा कर देखते हैं तो और क्या क्या दिखता है, आपको भी दिखाते हैं। कुछ भी बोलो लेकिन पैसा वसूल है, 80 रुपीज़ दे के अब यहाँ पर आते हैं। तो बहुत अलग अलग तरह की बर्ड्स एनिमल्स दिखते हैं, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ होगा, कि स्टार्टिंग में बस डियर्स दिख रहे थे। चलिए और भी क्या क्या आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है गौर, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर कोने में, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, जो जू जो है ये पुराना किला के पास है, तो यहाँ पे पुराना किला करके एक मॉन्यूमेंट है ऑब्वियसली, तो टोम है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा शायद, अगर आज हो सकते तो आज दिखा दूँगा आपको, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 बज चुके हैं और फिर रात को डिनर का प्लान भी है, फिर जाके फिर जिम और स्विमिंग पूल भी जाना है, स्विमिंग करने जाना भी है। तो देखते फिर नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट वीकेंड को आते हैं फिर आपको दिखाऊँगा मैं, और भी कुछ कुछ प्लेसेस है वो विजिट करूँगा, फिर आपको भी दिखाऊँगा कि ये। यहाँ पे है हिमालयन ब्लैक बियर, एक ही दिख रहा है वैसे अभी तक तो। बाहर निकल गया, वो देखने आया था। मूत्र विसर्जन कर रहे हैं भैया दीदी जो भी है। शाइनी फर, वाह कार जैसे बाल होते। तो कैसा लगा व्लॉग, वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करके बताइए कैसा लगा।
और फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ जरूर यहाँ पे आए। कैसा लगा जू का सफर? अच्छा लगा। भाइयों कैसा लगा? ऑसम। भाभी कैसा लगा? बहुत अच्छा। सब आइए साथ में। तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप एंजॉय करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आप फर्स्ट स्लॉट में आए, सुबह का टाइम रहता है तो धूप उतनी रहती ही नहीं है, फिर एनिमल्स को अच्छे तरीके से देख पाएंगे। जैसे हम सेकेंड स्लॉट में हम आए हैं तो उसके कारण धूप के कारण बहुत सारे एनिमल्स तो अंदर ही घुस के बैठे थे, तो वो रीज़न था। और खाना मत लाइए बिल्कुल, क्योंकि एंट्री गेट पे आपको जब खाना लेके आएंगे आप तो फिर आपको खाना ले जाने का मना है यहाँ पे, तो आपको फिर बाहर ही रखना पड़ेगा, फिर खा लेना पड़ेगा। तो फूड बिल्कुल मत लाइए। हाँ पानी ले सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको मैंने दिखाया यहाँ पे जो बने हुए हैं रिफ्रेशमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, खाने पीने का सामान है यहाँ पे, फिर पानी की फैसिलिटीज़ भी है, फ्री ड्रिंकिंग वाटर्स भी यहाँ पे, ठंडी पानी है। तो आइए, बहुत अच्छी प्लेस है, आप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे, तो बहुत वर्थ इट है। 80 रुपीज़ में आपको इतने अलग अलग तरह के आपको रेप्टाइल्स एनिमल्स बर्ड की स्पीसीज देखने को पाएंगे अब यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूर आए आप। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।